लड़के चिल्लाते चिल्लाते रहेंगे, मतलब 1000 से ज्यादा बार चिल्लाए सर, कोई सुन ही नहीं रहा था। आखिरकार में हम वीडियो बनाने लगे। जो इतना हुआ है या तो हुआ है सिस्टम, मुझे तो लग रहा है कि ये मगध यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा ये लोग डिले कर देंगे। बिहार इंशॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पास। आपको बता देंगे कि छात्रों को प्रॉब्लम हो रही है कि फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कि इल्ज़ाम है कि कभी फॉर्म भरते हैं तो पैसा कट जाता है, बट फॉर्म भराता नहीं है, कभी साइट ही नहीं खुल रहा। कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं क्या क्या इशू आ रहे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रीतम सिंह हुआ, मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा कॉलेज एन कॉलेज है, 201 AN कॉलेज। अब सर दिक्कत ये आ रहा है कि फाइनल ईयर का मुझे एग्ज़ाम देना, और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो सबसे पहले तो वेबसाइट का समस्या यह है कि इन लोगों में जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका डेटाबेस रिकॉर्ड में है ही नहीं। जब भी डेटाबेस हम लोग अपना डिटेल्स फिलअप करते हैं और लॉगिन करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड का वहाँ पे पॉपअप आ जाता है, पॉपअप ऑप्शन। रिकॉर्ड ही नहीं है। हमारा सारा चीज़, इसके पहले जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ था, एडमिशन और रजिस्ट्रेशन को ऑलरेडी वो हमने कर दिया। तो यहाँ पर मुद्दा ये आती है कि जब एडमिशन रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया तो रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन रजिस्टर फॉर्म में हम लोग का डेटाबेस क्यों नहीं दिखा रहा है? इसके पहले तो पैसा लेने के लिए, जिसमें पहले पैसा कट रहा था उसमें तो आप लोगों ने पहले कर दिया। दूसरा चीज़ कि ये वेबसाइट मैं 23rd 24th को मैंने अपना पहला डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया था, हमारा रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा था। तो 23rd सबसे स्टार्टिंग जो निकला था डेट, उसका डेडलाइन डेट था दो, एक दिन पहले मैंने किया था। कल तक मैंने 4 बार अपना डेटा प्रोड्यूस कर चुका है यहाँ पे, इंक्लूडिंग मार्कशीट एंड एप्लीकेशन, 4 बार। अब इनका जो वेबसाइट है फिर भी नहीं, यहाँ पर जाने के बाद बोला जा रहा है कि आप मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र से खोलिए, डेस्कटॉप साइट पे जाइए। मैं अपने बैग में लैपटॉप टैबलेट मोबाइल फ़ोन सारा चीज़ लेके घूम रहा हूँ। अब मैं सफारी ब्राउज़र से भी खोल चुका हूँ, क्रोम ब्राउज़र से भी खोल चुका हूँ, मोजिला फायरफॉक्स से खोल चुका हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोल चुका हूँ, यूसी ब्राउज़र से खोल चुका हूँ। आखिर ये वेबसाइट जो इन्होंने बनाया है या किसी से भी बनवाया है तो आखिर किस पाइथन पे बनवाया है, जावास्क्रिप्ट पे बनवाया, किस चीज़ पे बनवाया जो किसी वेबसाइट पे खुल ही नहीं रहा है? आपका जो पेमेंट फंसने का इशू है, हमारे बहुत सारे बैचमेट्स थे उनका पेमेंट फंसा है। आप बताइए, ये रिजर्व कैटेगरीज के 1400 और अनरिजर्व के 1600 है, सबका दो दो तीन तीन बार पेमेंट फंस गया है। ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी स्टॉक मार्केट का गेम खेल रही है क्या? या 3 बार जो है, अगर पेमेंट 3 में से 2 बार पेमेंट अनसक्सेसफुल बता रहा है लेकिन अकाउंट में चल जा रहा है, अगला का डेबिट हो जा रहा है, और ये लोग शेयर मार्केट में लगा रहे हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का शेयर इतना है और पटना यूनिवर्सिटी का शेयर इतना है, पता नहीं चल रहा। अब इन्होंने साफ साफ मेंशन करके रखा है कि पोस्ट क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन ऑल द स्टूडेंट्स विल गेट रिफंड। तो इतना दिन आप पैसा रखें, सबसे पहले मैं कैसे मान लूँ कि आपका जो पेमेंट है वो जा रहा है आपके पास? आपका तो वेबसाइट ही सिक्योर नहीं है भाई। अब बिहार के रिनोन्ड यूनिवर्सिटी हैं, मगध के बाद लोगों ने सोचा कि इसका जो है सारा कुछ अच्छा टाइमली हो रहा था, ईच एंड एवरीथिंग वाज ऑन टाइम, लेकिन ये जो इतना हुआ है या तो हुआ है सिस्टम, मुझे तो लग रहा है कि ये मगध यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा ये लोग डिले कर देंगे। अच्छा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों में रहती है, कभी रिजल्ट लेट को होकर, कभी फॉर्म लेट में भराता है, अब वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रहा। हेलो, यस सर, यस, मेरा जो प्रॉब्लम था, जो पार्ट वन का BSc पार्ट वन का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फोन आ रहा है। कॉलेज में गए, कॉलेज वाला बोला कि जाके यूनिवर्सिटी से बात करो, यहाँ पे क्या करेंगे हमें। तो यूनिवर्सिटी आए तो यहाँ पे सर चिल्लाते चिल्लाते एक बार चिल्लाए, एक गेट भी बंद है, हम देख रहे हैं गेट बंद है, आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो हम आए थे सभी, मतलब मॉर्निंग में आए थे, आई थिंक 11 बजे करीब आए थे, 11-12 बजे, तो उस समय ओपन था गेट और अंदर गए सर के चिल्लाते चिल्लाते रहेंगे, मतलब 1000 से ज़्यादा बार चिल्लाएं सर, कोई सुन ही नहीं रहा था। आखिरकार में हम वीडियो बनाने लगे, गार्ड साहब देख लिए वीडियो बनाते, वहाँ से मेरा फ़ोन छीना गया, फोन छीन लिया, या मेरे पास वीडियो है रिकॉर्ड, फ़ोन छीना गया। उसके बाद हमको डाटा फटकारा गया, उसके बाद हम बाहर के, उसके बाद हम मीडिया चैनल से कनेक्टेड थे तो मीडिया चैनल वालों को बुलाएं और वो यहाँ पर, और उनको भी जो मेरा प्रॉब्लम था बताएं। साथ आप लोग की यही हो रही है कि वेबसाइट आप लोग का ओपन नहीं हो रहा है, आप लोग फॉर्म नहीं भर पा, वेबसाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वेबसाइट पे। हम बता दें, हम पिछले मंथ BSc पार्ट 3 का एग्जाम फॉर्म का भरा गया, लेकिन पेमेंट कट गया 3 दिन का बाद पेमेंट अपडेट हुआ, 3 दिन तक, मतलब लास्ट दिन, 3 दिन तक, हाँ लास्ट दिन दोबारा पेमेंट करने बोला था। एक तो होता है सर, एक तो मेरा प्रॉब्लम है कि जो एक तो फॉर्म रहता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पर जाइएगा, एक तो फॉर्म रहता है जिसका नाम है स्टूडेंट ग्रीवांस फॉर्म, वो फिलअप भी कर चुके हैं लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा डिले आता है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को कई बार हम मेल भी कर चुके हैं,
साथ ही साथ नंबर भी दिया रहता है, नंबर पे भी कॉल लगा, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स वहाँ से आता ही नहीं है। नहीं तो ये सरकार का गवर्नमेंट का यही बिहार का लगता है हमको। देखिए और भी चाहते हैं उनसे भी जानेंगे, लगातार इश्यू हो रही है वेबसाइट खुलने में, आप लोग उसी को लेकर कौन से ईयर के आप छात्र हैं पहले ये बताइए। थर्ड ईयर के। थर्ड ईयर सारे जितने छात्र हैं सबको इश्यू आ रही है, हर साइट नहीं खुल पा रहा है, रिजल्ट भी नॉट फाउंड बता रहा है। मतलब कि आप लगता है कि है ही नहीं, मतलब अंदर जब गया बात करना, अंदर तो जाने ही नहीं मिल रहा है ना, तो एप्लीकेशन 3-4 रोज से हम लोग डाल रहे हैं तो एप्लीकेशन का कोई ये नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कभी बोला है कॉलेज जाइए, कभी कॉलेज से आइए, यही सब बोल रहा है और कुछ नहीं, बस यही बोला जा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा, नहीं हो नहीं रहा है। और डेट लास्ट है कल तक का, कल फिर डेट भी लास्ट है, लास्ट तक का डेट है, फॉर्म सबमिट होगा लेकिन चार्ज लगेगा उसका, लेट फाइल लगेगा, यही चार्ज लगने वाला है। चलिए तो देखिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इनका साफ तौर पर यही शिकायत है कि कल लास्ट डेट है और वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, साफ तौर पर इनका कहना है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर सब कुछ आपको बयान देगी कि किस तरह से जो छात्र यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि वेबसाइट का जो भी इशू है उसको क्लियर किया जाए और कहीं ना कहीं जो है इनको फॉर्म भरने दिया जाए। इनका ये भी कहना है कि कल लास्ट डेट है, अगर लास्ट डेट के बाद फॉर्म नहीं भरते हैं तो कल से जो है ये लोग को लेट फाइन भी लेंगे। बहुत ऐसे छात्र हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, लेट फाइन देने में सोचना पड़ेगा, फीस ही जुगाड़ करके देते हैं, वही बहुत बड़ी चीज़ है, मगर कहीं ना कहीं लापरवाही है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की जो हर चीज़ में लेट कर रही है। हमेशा ये यूनिवर्सिटी जो है सुर्खियों में बनी रहती है, बट सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है छात्रों पर। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।